अगर आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो आप हो जाते हो परेशान कि कैसे उस ब्लॉक कार्ड को अनब्लॉक करके दोबारा यूज किया जाए। तो आज की वीडियो पे आपको पता चल जाएगा अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है तो कैसे पे उस ब्लॉक कार्ड को अनब्लॉक किया जा सकता है, अगर ब्लॉक कार्ड अनब्लॉक होता है तो कैसे होता है इसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करके आपका ब्लॉक डेबिट कार्ड आप खुद से अनब्लॉक कर पाएंगे। तो पहले आपको ये जानना होगा कि डेबिट कार्ड कैसे ब्लॉक होता है। अगर आपको नहीं पता कि डेबिट कार्ड कैसे ब्लॉक होता है, इसके बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो बना के रखा है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो गाइज, बेसिकली डेबिट कार्ड दो तरह के ब्लॉक होते हैं, एक तो टेम्पोररी ब्लॉक और दूसरे परमानेंट ब्लॉक। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका कार्ड किस तरह के ब्लॉक हुआ है, टेम्पोररी ब्लॉक हुआ है क्या परमानेंट ब्लॉक हुआ है। गाइज, आपको अगर पता चलता है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है तो इनिशियली आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आपको पहले 24 आवर्स वेट करना होगा। 24 आवर्स में 99% डेबिट कार्ड अनब्लॉक हो जाता है। अगर वो कार्ड टेम्पोररी ब्लॉक हुआ है तो आपका जो कार्ड है वो कार्ड ऑटोमेटिक 24 आवर्स के बाद अनब्लॉक हो जाएगा और 24 आवर्स के बाद आप उसे यूज भी कर पाएंगे। और अगर नहीं अनब्लॉक होता है 24 आवर्स में तो आपको समझना होगा वो कार्ड परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकता है, या तो फिर आपको एक कस्टमर केयर पे कॉल करना हो सकता है, या तो फिर आपको ब्रांच में विजिट करना भी हो सकता है। तो अगर 24 आवर्स में आपका कार्ड नहीं ब्लॉक हुआ है तो आपको ज़रूरत है एक बार कस्टमर केयर में कॉल करने का। उसके बाद अगर कस्टमर केयर से कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको एक बार ब्रांच में विजिट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता चलता है कि आपका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है तो वो कार्ड आप अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे, आपको एक नया डेबिट कार्ड अप्लाई करने का ज़रूरत है। लेकिन गाइज, अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाने की वजह से आपने उसे परमानेंटली ब्लॉक किया था और कुछ दिन बाद वो कार्ड आपको मिल गया है तो उस कार्ड को आप अनब्लॉक करके यूज कर पाएंगे। इसके लिए आपको या ब्रांच में विजिट करना होगा या तो फिर कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा। आजकल डेबिट कार्ड अनब्लॉक करने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करने का कोई जरूरत नहीं है, कस्टमर केयर पे कॉल करने से ही तुरंत उस कार्ड को अनब्लॉक किया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता आपका बैंक का कस्टमर केयर नंबर क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। लेकिन गाइज, अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है तो आप उसे कस्टमर केयर पे कॉल करके अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे, आपको ब्रांच में एक रिटर्न एप्लीकेशन देना होगा, उसके दो दिन बाद ही आपका कार्ड अनब्लॉक हो सकता है। तो ये एक्सेप्शनल है, ऐसा हर एक बैंक में नहीं है, बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक है जिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप से ही आप उस कार्ड को ब्लॉक भी कर पाएंगे और आपका जरूरत होने पर उसे अनब्लॉक भी कर पाएंगे। और बहुत सारे बैंक का जो कि मोबाइल बैंकिंग ऐप उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वहां पे आप कस्टमर केयर पे कॉल करने से भी आपका जो कार्ड ब्लॉक हुआ है उस कार्ड को आप अनब्लॉक कर पाएंगे। तो गाइज, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। गाइज, वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। गाइज, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।